परिवर्तन का दौर लाने का श्रेय जाता है इकबाल जी को, हमारे डायरेक्टर हैं और उन्हें तो हम लोग करते रहते हैं, साल में 5, 6, 7, 8 फिल्में हो जाती हैं, कभी 4 होती है, कभी 6 होती है। पर ये सिनेमा जो है वो इकबाल भाई ने ऐसा सोचा, जब इन्होंने बताया तो मुझे खुद ही नहीं भरोसा था कि मतलब इस तरह का कोई सिनेमा हम लोग बनाए। बोला कहाँ से आप सोच रहे हैं, मतलब इतना बड़ा सिनेमा हम लोग कैसे सोचें भोजपुरी में। तो इन्होंने कहा कि आप हम ही भरिए, हम लोग बनाएंगे, हम चाहते हैं बनाना। और फिर इन्होंने शुरुआत की और जब शुरुआत कर दिया तो ऐसा किया कि मतलब हम लोगों ने भी देख के ये मान लिया कि हाँ ये बना सकते हैं और बहुत अच्छी शूटिंग चल रही है। आज 5वां दिन है, 6ठा दिन है और बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत इतना मतलब अच्छे से काम निकल रहा है। जो इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री जानती है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 5-6 दिन में ही इन्होंने लगभग 20 दिन जैसा काम करके निकाला है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी फिल्म जो हमारे दर्शक भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे कि भोजपुरी सिनेमा में थोड़ा कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो, तो वो इन्होंने शुरुआत की है। इसके लिए सारा श्रेय इनको ही मिलना चाहिए। बहुत साथ देने के लिए पूरा वक्त, आइए प्रोड्यूसर साहब आइए, जो इनका मुझ पर है, कि जो इनका कॉन्फिडेंस मुझ पर है, रमेश भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने मुझे मतलब कहा कि गणेश जी को लेकर फिल्म बनाई, इनका बहुत भरोसा था मुझ पर, मैं फिल्म बना सकता हूँ। लोगों को यकीन नहीं था कि फिल्म शुरू होगी, बनेगी, क्या होगा, कैसे ऐसी बना देंगे, कुछ भी हो सकता है। गणेश जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे शुरू शुरू में, पहले दिन थे, मतलब पता नहीं क्या करने वाले, होगा कि नहीं, वो कैसे होगा, लेकिन आज गणेश जी को कॉन्फिडेंस है कि इकबाल बख्श मतलब जस्टिफाई करेगा फिल्म जी। जैसे कि बजट की बात की जाए तो 2.5 मिनट के ट्रेलर के लिए 70 लाख से ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है, तो 2.5 घंटे की फिल्म में कितने करोड़ खर्च होने वाले हैं? इन्होंने बोला कि मीडिया को नहीं बताना है, ये अपने को देखना है, आप देख के बताओगे मीडिया वाले ने क्या किया। सर तो बोलते हैं सपोर्ट लगा तो लगा निर्वाह, ये उस सपोर्ट से, उस कॉन्फिडेंस से मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश भाई जो है, इन्होंने कहा कि हमें फिल्म बनाना है और हम कुछ अलग बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप कीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको टोपी पहना दिए हम लोग, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं तो कि अब सामने है आप लोगों के, इनको हम लोग जो टोपी पहनाएं कि ये खुद ही बना रहे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि क्या पागल करने, पता नहीं इसका रिकवरी नहीं होती है, यहाँ तक लोगों ने बोला क्या 2 करोड़ की फिल्म की रिकवरी होती कैसे यार। तो हम अपने विश्वास पे काम कर रहे हैं, मीडिया का सपोर्ट तो मुझे मिलेगा, मेरे को तो लगता है कि फिल्म भोजपुरी के काफ़ी चीज़ें बदल गई, लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। आज निर्वाह जी ने 100 फिल्में की है, और एक एक्टर की स्टेबलाइज ही एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि एक एक्टर का कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिनेश जी मैं तो ये तो चावल के ऊपर का एक दाना देख के बता सकते हैं कि सनम है, मतलब अंदर हंडी में क्या है, पहला शॉट देख के समझ जाएंगे कि डायरेक्टर में कितना दम है, उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब हाँ क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इनको सब अंदाजा है हर चीज़ का, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है बहुत ही। ये तो वकाल में तारीफ करूँगा, इनके साथ पहली मीटिंग में मैं डिसाइड हुआ किसी एक्टर के साथ, इसमें मुझे मतलब ये लगा कि बस ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मैं भोजपुरी में आया हूँ और मुझे किसी एक्टर के साथ में कोई दिक्कत, मतलब 15 मिनट डिसाइड हो गया कि पिक्चर हम कर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। दिनेश जी आपकी ड्रेस को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे जी? आपके ड्रेस को लेके काफ़ी चर्चा है, कितना वजनदार है आपका ड्रेस? बहुत है, और ये भी जो है इकबाल भाई का ही दिया हुआ है, उनकी ही सोच है, उन्होंने ही डिजाइन करवाया है। और जिस तरह से ये फिल्म की कहानी इन्होंने बनाई है, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रखते थे कि हमारा भोजपुरी सिनेमा भी एक बड़ा सिनेमा बने,
और दुनिया में जहाँ भी हमारे भोजपुरी भाषी हैं वहाँ तक हम ये सिनेमा लेके जाएं, मल्टीप्लेक्स में हमारा सिनेमा लगे, तो ये सारे जो हम सपने देखते थे वो इस फिल्म से पूरी हो जाएंगे, पूरा होगा। क्योंकि जिस तरह से बना रहे हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2.5 मिनट के ट्रेलर के लिए 70 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, और 2.5 मिनट के ट्रेलर में इन्होंने इतना खर्च किया जितने में बाकी लोग फिल्म बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ सोच के ही इन्होंने शुरुआत की होगी, और निश्चित रूप से ये भी कहेंगे कि जो आदमी पैसा लगाता है उसको पता भी होता है कि हम ये पैसा लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, कैसे इसकी रिकवरी करेंगे। तो और बहुत हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं रमेश भाई को कि जो हम लोग सोचते थे बहुत दिन से कि कभी ऐसा हो, क्योंकि बिना रिस्क लिए कभी कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं हुई। तो हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इतना बड़ा कलेजा दिखाए और इतनी बड़ी फिल्म के लिए शुरुआत करे, तो वो रमेश भाई ने शुरुआत की है और हम सब लोग इनके साथ हैं। फाइट की बात करें, फाइट मार्केट एकदम कम कर इसको, एकदम फूल कम होना चाहिए अच्छा। इसमें ज़्यादा वाला के लिए तो इतने अच्छे से मोटा वाला मैंने सोच लिया था, तो मैंने म्यूजिक का एक्शन और एक्टिंग के लिए बहुत बड़ा फैन हूँ, तो नो डाउट ये वाला इसमें कि उनका एक्शन का जो मोड है और जो स्टाइल है केबल वॉक करने के लिए ब्यूटीफुल मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्होंने इतना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस ये दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी बने और बहुत बड़े पैमाने पर चले, क्योंकि सबसे हमारे हीरो जो है वो सबसे अच्छे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं उनके लिए कुछ शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए कि इतना क्लास कर दें कुछ नहीं की बोलते सर, इतनी तारीफ और आपकी जो है और वो तो अक्षय जी की महानता है, वो इतना अच्छा करवाते ही हैं कि फिल्म में कर चुका हूँ, वो इतना अच्छा डिज़ाइन करते हैं और इतना बढ़िया से करवाते हैं, सेफ्टी के साथ करवाते हैं, खतरनाक से खतरनाक शॉट देने में भी जरा भी डर नहीं लगता है, कोई भी शॉट किए अच्छे से करवाते हैं। तो सब अच्छी टीम अच्छी है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, और बस ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग भोजपुरी सिनेमा को एक नए दिशा में लेके जाएंगे। इसमें नायिका की बात की जाए तो इसमें आम्रपाली जी हैं आपके साथ और एक नई एक्ट्रेस अर्चना शर्मा जी इंट्रोड्यूस हुई जी हैं, आइए जी क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आम्रपाली जी तो पहले से ही लोगों को अपना जलवा दिखा चुके हैं, लोग बहुत उनके चाहते हैं, नई एक्ट्रेस आई है इस फिल्म से, तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि इनको भी भरपूर प्यार मिले और खूब इनको आशीर्वाद मिले सबका, यही कामना करेंगे हम। थैंक यू। निरवा जी के साथ में अगर एक लड़की लॉन्च होती है तो उस लड़की की भी किस्मत आगे चलेगी, ये हमारा भी विश्वास है। अर्चना जी क्या कहना चाहेंगे निरवा जी के साथ आपकी लॉन्चिंग हो रही इस फिल्म से? जी मैं दिनेश लाल यादव जी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने उनकी कई सारी फिल्में देखी हैं और इतने ऑनेस्ट एक्टर हैं, इतने सच्चे एक्टर हैं, मतलब उनकी एक्टिंग से इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ मैं, तो आज मुझे ये मौका मिला है, मैं इतनी खुशनसीब मानती हूँ और इस मौके को मैं बिल्कुल नहीं गंवाना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड विद एवरीबडीज ब्लेसिंग्स आई रियली वॉन्ट टू डू माई बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द शूट। थैंक यू।